नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में गुरु की महादशा के बारे में। जातक को गुरु की महादशा चल रही है और जैसे ही महादशा लगी है तो जातक के कई सारे लोगों से बातचीत हुई है, उस हिसाब से कई कुछ लोगों ने अच्छा रिजल्ट बताया है, कुछ लोगों ने बुरा रिजल्ट बताया। तो हम जन्म कुंडली को फलित करके देखेंगे कि गुरु जो है वो अपनी महादशा में किस तरह के परिणाम देगा। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाला जो वीडियो है वो मिलता रहे। और मेरे इस YouTube चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके बहुत सारे ज्योतिष से संबंधित कई तरह के वीडियो हैं जो आप उनका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे योग हैं और राहु के बारे में, जन्म कुंडली में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाए गए हैं, विवाह को लेके, नौकरी को लेके। तो उन सब चीज़ों का आप आनंद लें। तो बात करते हैं इस जन्म कुंडली के ऊपर। ये कर्क लगन की जन्म कुंडली है। कर्क लगन के लिए जो गुरु हैं वो भाग्येश हैं और आपके छठे घर के मालिक हैं। और छठा घर जो है वो काफ़ी अच्छा भाव माना गया है जन्म कुंडली में, उसे रोग मानते हैं, ऋण भी मानते हैं, लेकिन ये नौकरी का है, मेहनत का है और हर तरह का कंपटीशन है। तो जातक को जीवन में कंपटीशन की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये घर जो है काफ़ी योग कारक है। तो इस जन्म कुंडली में गुरु जो है काफ़ी योग कारक माने गए हैं। साथ में गुरु जो है वो चौथे भाव में विराजमान है, चौथा भाव जो है वो सुख स्थान माना गया है। तो मैंने इससे पहले वाला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विवाह को लेके एक बात बताई थी कि अगर चतुर्थ भाव यानी कि सप्तम भाव का मालिक अगर चतुर्थ भाव से संबंध बनाए तो विवाह से संबंधित कई सारी परेशानियां आती है। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं एक दो मिनट का समय लूंगा, उस लाइन को कंफर्म करता हूं कि जैसे यहां पे देखिए आप, सप्तम भाव का जो मालिक है वो शनि बनता है और ये चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इसका मतलब है कि जातक को कुछ परेशानियां तो आएगी मैरिटल लाइफ में, यानी कि फर्स्ट अफेयर जो है वो फेल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनते हैं। इस चीज़ में आप थोड़ा और डीप स्टडी करोगे तो आपको कुछ चीज़ें और अच्छी नज़र आएगी। ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि सबकी जन्म कुंडली में ऐसा हो, लेकिन ये इसके अगर ये पॉइंट बनता है तो इससे संबंधित कई सारी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप देखिए यहाँ पे जो शनि है वो चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र का मालिक जो है वो मंगल है और मंगल जो है वो छठे घर में विराजमान है और मंगल जो मैरिटल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता है। तो ये क्लियरली नज़र आता है जन्म कुंडली में कि सप्तम का भाव का मालिक चतुर्थ भाव में गया और उसका नक्षत्र स्वामी मंगल बनता है जो यहाँ पे जन्म कुंडली में छठे भाव में विराजमान है। तो इस जातक की पहली मैरिज आप ये 100% मान लीजिए कि इसकी पहली मैरिज जो है वो फेल हुई है, ये पहला अफेयर फेल हुआ है। हमने जैसे ही जातक से बात की और इस चीज़ को हमने कंफर्म किया तो ये 100% चीज निकल के आई है कि इसकी पहली मैरिज गड़बड़ हुई है, इसकी सेकेंड मैरिज जो है वो चली है। तो ये चीज आपको जन्म कुंडली में नजर आ सकती है। तो बात कर रहे थे गुरु की महादशा के ऊपर। गुरु जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में सुखेश है, यानी कि ये काफी अच्छा नजर आ रहा है। और सुख भाव का मालिक शुक्र जो यहाँ पे लाभ का भी मालिक बनता है, ये भी यहाँ पे बैठा है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में पांच ग्रह विराजमान है, तो जातक को कई तरह के रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। और कई लोगों से इनने जैसे ही राय ली है तो कुछ लोगों ने नेगेटिव रिजल्ट बताया, क्योंकि तुला राशि में गुरु जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि तुला राशि जो है वो गुरु की शत्रु राशि मानी गई है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन ये जो चीज है ये काफी हद तक सही नहीं है। तो आप जब भी कोई भी ग्रह को फलित करते हो तो उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करें, संबंधित पार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करें। जैसे कि गुरु जो है वो यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा है, लेकिन इस जन्म कुंडली में भाग्य का मालिक है, और भाग्य का मालिक का मतलब भाग्य का मालिक भाग्येश है। तो भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता, भाग्य जो है वो अच्छा ही होगा। गुरु मालिक है तो गुरु एक देव ग्रह और यहाँ पे अच्छा ही करेगा। तो यहाँ पे गुरु का जाना एक अच्छा सिम्टम्स है कि गुरु चतुर्थ भाव में गया, यानी कि ये सुख स्थान में गया, तो जातक को अच्छा सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला सब मिलने के चांस बनते हैं। यहाँ पे तुला राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन तुला राशि का जो मालिक है वो शुक्र यहाँ पे ही विराजमान है, और तुला राशि का मालिक लाभ स्थान का मालिक है और सुख स्थान का मालिक है। तो शुक्र यहाँ पे शुभ है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे अच्छा ग्रह है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है, गुरु भी अच्छा ग्रह है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह, और दोनों ग्रह जो है वो इस जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह। ये एक आपको एक पॉइंट बताता हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात बताता हूँ कि जब दो ग्रह
दो शुभ ग्रह, किसी भी जन्म कुंडली के दो शुभ ग्रह, चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, अगर एक साथ विराजमान है एक जैसी राशि में, तो वो कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे इस जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु जो शत्रु हैं, अति शत्रु हैं, लेकिन एक साथ विराजमान है और दोनों ही इस जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह, क्योंकि एक लाभ है तो भाग्य अच्छा होगा तो लाभ भी अच्छा होगा, लाभ अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर भाग्य कैसे काम का। तो ये दोनों लाइनें एक तरह से कट नहीं सकती। तो अगर दो ग्रह दो अच्छे घरों के मालिक हैं, चाहे वो मित्र नहीं हो लेकिन वो अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे, ये जन्म कुंडली में फिक्स है। आप कभी भी किसी भी महादशा में देख लीजिएगा, हाँ ये बुरा रिजल्ट भी देंगे लेकिन किस पर्पज पे देंगे, किस जगह देंगे, वहां पे देखिए। शुक्र जो है वो इस जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव जो है वो माता का माना गया है। तो गुरु के महादशा में जातक को माता से सुख प्राप्त नहीं होगा, माता से संबंधित सुखों में बहुत कमी आएगी। इसी चीज को आप अगर नवमास कुंडली में लेके जाओगे तो नवमास कुंडली में गुरु और शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे जो जन्म कुंडली में गुरु जो है वो लग्नेश है और दशम घर का मालिक है, लेकिन शुक्र जो है यहाँ पे अष्टम घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, यानी कि शुक्र यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो अष्टमेश है, तो यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो ये जो चीज है यहाँ पे गुरु और शुक्र की जो रिलेशनशिप बन रही है ये अच्छी नहीं है, यहाँ पे ये मेटल लाइफ के लिए और सुख के लिए बेकार है। यानी कि अगर हम नवमास कुंडली को विवाह से संबंधित पार्ट मानते हैं तो यहाँ पे विवाह से संबंधित जो सुख है उनमें कमी कर देगा गुरु और शुक्र की युति, ये दोनों यहाँ पे बहुत नेगेटिव पॉइंट निभाएंगे। लेकिन अगर ये पारिवारिक सुख को देखते हैं, यानी कि गाड़ी घर जमीन जायदाद इनसे संबंधित अगर सुखों को देखते हैं और गुरु की महादशा को अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे शुक्र जो है यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। ये एक तरह से परिवर्तन राज्यों की तरह ही हो गया, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे लाभ है और सुख है और गुरु जो है यहाँ पे भाग्य है, तो लाभ है सुख है तभी भाग्य है, तो ये चीजें बिगड़ नहीं सकती, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीजें जो है वो मेंटेन है। तो इसलिए ये जो चीज है ये क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है कि ये जो गुरु है तुला राशि में अच्छा रिजल्ट देगा, 100% अच्छा देगा। फिर गुरु विशाखा नक्षत्र में है तो ये भाग्य का मालिक है, तो यहाँ पे ये गुरु अच्छा ही रिजल्ट देगा। और शुक्र भी विशाखा नक्षत्र में है तो यानी कि यहाँ पे गुरु जो है काफी स्ट्रांग है, चाहे वो अब तुला राशि में हो, तुला राशि एक व्यापारिक राशि है तो व्यापार के संबंध में जातक को बहुत अच्छे व्यापार मिलेंगे, बड़ा कारोबार मिलेगा, बड़ी चीजों को दर्शाता है जातक को। तो यहाँ पे गुरु की महादशा जातक के लिए बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नर्सिंगिक शुक्र शुभ ग्रह है और गुरु भी शुभ ग्रह और बुध भी है शुक्र भी है, तो ये काफी अच्छे चीजें दर्शा रही है। और यहाँ पे शनि जो है वो उच्च का हुआ है तो ये काफी अच्छी जन्म कुंडली नजर आती है, और गुरु की महादशा को देखें तो काफी अच्छी नजर आ रही है। नेगेटिव पॉइंट इतना ही है कि माता का सुख इसमें कम मिलेगा, क्योंकि गुरु और शुक्र की यहाँ पे बनती नहीं है। तो एक पॉइंट पे नेगेटिव करेंगे वो किस पे, कि चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र तो माता के सुखों में जरूर कमी कर देगा। तो चतुर्थ भाव का गुरु है और गुरु की महादशा में जातक को अच्छा पारिवारिक सुख मिलेगा, जातक को बड़ा कारोबार होने की उम्मीद है, जातक को धर्म से संबंधित लाभ होगा, घर में कोई धार्मिक काम होगा इस गुरु की महादशा में, कोई व्रत कथा कोई उद्यापन, तो इस तरह का कोई भी तरह का धार्मिक कार्य गुरु की महादशा में होने के चांस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा लाभ होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लाभ होगा, और बड़ा वाहन या बड़ा घर मिलेगा। गुरु बड़ी चीजों को दर्शाता है, सुख देता है तो बड़ा सुख देता है। तो और अगर जातक जो है वो खेती से जुड़ा है तो बड़े फलों की बड़े सब्जियों की खेती करेगा, जैसे कि गोभी है, कद्दू है, तरबूज है, लौकी है, ऐसे बड़े फल गुरु जो है बड़े फलों को दर्शाता है इस तरह के। और यहाँ पे एक गुरु का जो नेगेटिव पॉइंट और हो सकता है वो ये है कि जातक को अगर पहला संतान सुख मिलने वाला है तो यहाँ पे गर्भपात जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती है पहले संतान के लिए, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा है, पंचम भाव का वे स्थान है, तो यहाँ पे गुरु एक छोटा सा माइनस पॉइंट ये क्रिएट कर सकता है। तो इस जन्म कुंडली में गुरु अच्छा रिजल्ट देगा। इस चीज को हम व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो दशमांश कुंडली को भी हम देख सकते हैं। तो दशमांश कुंडली में गुरु जो है लग्नेश है, चतुर्थ भाव का मालिक है, और गुरु जो बैठा है सप्तम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य के साथ, सूर्य यहाँ पे भाग्येश है और सूर्य जो है वो गुरु का मित्र है, और गुरु जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव जो है वो व्यापारिक
भाव है। और यहाँ पे गुरु का बैठना और तीन नंबर राशि यानी ये बुध की राशि है और बुध जो है वो व्यापारिक ग्रह है, तो यानी कि ये एक अच्छा सिम्टम्स है व्यापार के लिए। तो गुरु अगर दशमांश कुंडली में भी आप देखोगे तो काफी अच्छा है। मिथुन राशि का मालिक बुध जो है वो यहाँ पे पंचम भाव में विराजमान है और दशम भाव का भी मालिक है। तो गुरु आप इस जन्म कुंडली में व्यवसाय की दृष्टि से चारों तरफ से अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट इतना है कि संतान सुख में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है और माता के सुख में कमी करता है बस। और गुरु जो है इस जन्म कुंडली में व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और ये गुरु की महादशा जातक को काफी अच्छी निकलेगी क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में एनालिसिस कर सकते हैं। इसको देखने के कुछ पॉइंट्स जैसे ये कि आप देखिए कि गुरु जिस ग्रह के साथ है और जिस राशि के ग्रह के साथ है, जैसे गुरु यहाँ पे तुला राशि के साथ है तो हमने शुक्र को इम्पोर्टेंस दी है, तो जिस राशि के ग्रह के साथ है वो ग्रह जो है वो कहाँ पे है, किन किन भावों का मालिक है, किन लाइनों को दिखाता है, जैसे लाभ को दिखाना, लाभ और भाग्य जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार आप उन लाइनों को समझें। जिस राशि में है उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ है, दशमांश कुंडली में वो क्या रिजल्ट दे रहा है, इन चीज़ों को समझे तो आप भी अपने ग्रह को फलित कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।